पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। केंद्र सरकार का रोड मैप तैयार है, वर्तमान में राजनीति को परे रखकर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। वहीं आर्थिक पैकेज पर चिदंबरम के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आर्थिक नीति की समझ नहीं है। उनने कल जो बात कही है कि 20 लाख करोड़ पैसा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन 2020 आत्मनिर्भर भारत का वर्ष होगा। हम चाहे स्वदेशी की बात करें, हम चाहे देखो अपना देश की बात करें, या लोकल के लिए वोकल होने की बात जो कल प्रधानमंत्री जी ने कही है, ये सब चीज़ें एक ही है। भारत विभिन्नताओं का देश है और इसलिए मुझे लगता है कि जो बात उनने कही उसके पीछे बड़ा तत्व छुपा है। मुझे लगता है देश को इंतजार करना चाहिए, रोड मैप बड़ा स्पष्ट है और ये चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने हैं, हमारे सामने कुछ अलग स्वरूप में आएंगी और उस आधार पर जो सरकार ने रोड मैप तैयार किया है हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि वो रोड मैप भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा और दुनिया में हमारे मूल आधारित राजनीति की स्थापना के रास्ते पर होगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। आगे उन्होंने लिखा है कि अगर हर भारतीय भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 साल में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो स्वदेशी उत्पादों यानी लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये ट्वीट अमित शाह का सामने आया है और इस ट्वीट के सामने आने के बाद आज गृह मंत्रालय ने एक फैसला भी लिया है, जिसके मुताबिक सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से ये आदेश लागू हो जाएगा। 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन इन कैंटीन से सामान खरीदते हैं और तकरीबन 2800 करोड़ का सामान इन कैंटीन के जरिए बिकता है।